वंचित बहुजन आघाड़ी, ये सभी के अपने अपने गढ़ है और पूरे महाराष्ट्र में चार ही पार्टी फैली है। तो कार्यकर्ताओं का दबाव नेताओं के ऊपर होता है कि फलाना फलाना सीट अपने पास रहने चाहिए, हम ही लड़ेंगे। जैसे कि भिवंडी वाली सीट है, अब मैं एक उदाहरण, भिवंडी वाली सीट पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग चाहते हैं कि वो सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लड़े, ये सच है, और कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि हम लड़े। ऐसे एक दो सीट में शिवसेना और कांग्रेस में भी चर्चा चल रही है, उसका मतलब है कि रणनीति की बात नहीं है। आज सुबह ही मेरी शरद पवार साहब से चर्चा हुई है, अभी हम लोग सब बैठेंगे और जो छोटी मोटी बातें हैं उसके ऊपर हम निर्णय लेंगे। अभी सांगली वाली एक सीट है, अब कांग्रेस को लगता है कि उनकी परंपरागत सीट है, हमको लगता है कि अगर ये सीट शिवसेना लड़ेगी तो इस बार जीत जाएंगे, क्योंकि 10 साल से वहाँ बीजेपी जीत रही है। कोल्हापुर की सीट है जो सीटिंग सीट है हमारी, वहाँ सबने मिलकर तय किया कि अगर छत्रपति शाहू महाराज जी वहाँ लड़ना चाहते हैं तो उनके लिए, अगर कांग्रेस से लड़ना चाहते हैं या राष्ट्रवादी कांग्रेस से लड़ना चाहते हैं या शिवसेना से लड़ना चाहते हैं तो हम वो सीट छोड़ते हैं। जो है वो महाविकास आघाड़ी की अभी भी सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो हमने, आपको पता होगा कि हमने 4 सीटों का प्रस्ताव वंचित आघाड़ी को दिया है और मुझे लगता है कि 4 सीटें हम जीत सकते हैं जो वंचित को हमने दी। महाराष्ट्र का हर घटक है जो शोषित है वंचित है वो इस संघर्ष में हमारे साथ रहे। संविधान बचाने वाली लड़ाई है, ये तानाशाही के खिलाफ ये लड़ाई है, तो ये सब लोग अगर हमारे साथ रहेंगे, अंबेडकर जी रहेंगे, तो हमें ज़्यादा ताकत मिलेगी। क्या है किसने बोला है ये औरंगजेब का बयान? बहुत बहुत ध्यान से सुनते हमारा भाषण प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र के कोने में एक भाषण हो रहा है, उसमें से कोई 2-4 वाक्य 2-4 सेंटेंस पिकअप करते हैं और उसके ऊपर अपने आगे की रणनीति बनाते हैं। राहुल गांधी जी ने शिवाजी पार्क पर भाषण किया और शक्ति का जिक्र किया, एक शक्ति मोदी जी के पीछे, मोदी वो शक्ति के नाम पर रोने लगे, देखो देखो शक्ति 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 के नाम पर, अघोरी शक्ति, धन शक्ति, उस बारे में राहुल जी ने कहा है कि मोदी जी के पीछे एक धन शक्ति है, एक अघोरी शक्ति, दैवी शक्ति नहीं अघोरी शक्ति है। तो मोदी जी रोने लगे, बार बार उनको रोने की जो आदत है वो ठीक नहीं है, देश के प्रधानमंत्री है, ये रोना धोना बंद करना चाहिए। अब हमने क्या कहा कल के सभा में, जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की माता राजमाता जीजाऊ का जन्म हुआ वहाँ हमारी सभा हुई और वहाँ हमने कहा कि महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के ऊपर कुछ लोग दिल्ली से आक्रमण करना चाहते हैं, गुजरात से आक्रमण करना चाहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र ने जिस तरह से औरंगजेब का आक्रमण ख़त्म कर दिया, लड़ाई की और औरंगजेब को महाराष्ट्र में ही फिर उसकी कब्र हमने मनाई, इसी तरह से आक्रमण भी हम ख़त्म करेंगे। यहाँ औरंगजेब का एटीट्यूड नहीं चलेगा तो यहाँ मोदी जी कहाँ आए, क्या है ये अर्थ का ही करती, वो अपने हिसाब से उनका डिक्शनरी अलग है, हमारा डिक्शनरी अलग है, हमारी देशभक्ति और राष्ट्रवाद की डिक्शनरी है, उनकी स्वार्थ की डिक्शनरी है, उनकी राजनीतिक डिक्शनरी है। आप प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री पद की गरिमा रखो, ये रोना धोना बंद करिए, बहुत हो गया 10 साल लोगों ने आपका रोना धोना देख लिया है, अब थोड़ा सा। औरंगजेब वाले कमेंट में मोदी जी का ये भी कहना था कि ऑपोजिशन बार बार उनको टारगेट कर रहा है, उनको अब्यूज कर, मोदी जी का, मोदी जी को कोई अब्यूज नहीं कर रहे, मोदी जी का पुराना धंधा है अपने विरोधियों को अब्यूज करो, बदनामी करो, उनका कौन सर काटेगा भाई, प्रधानमंत्री है देश के, हमारे आदरणीय है, हमारे पास क्या ईडी सीबीआई है क्या सर काटने के लिए, वो आपके पास हथियार है, 2 तलवार आपके पास है ईडी सीबीआई की, हाँ जब चाहे किसी का भी आप
सर उड़ा सकते हो, जेल डाल सकते हो। हमारी सरकार आएगी तो हम इस प्रकार की बदले की राजनीति नहीं करेंगे। मोदी जी आप निश्चिंत रहिए, आपको पूरी सुविधा मिलेगी।